नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, इंडियन रेलवे 11 नवंबर से 362 नई लोकल ट्रेनों को शुरू करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इंडियन रेलवे ने 362 लोकल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इंडियन रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 362 लोकल ट्रेनों के बारे में बात करने वाला हूं। ये 362 लोकल ट्रेन को रेलवे किस राज्य में शुरू करने जा रही है और रेलवे 362 लोकल ट्रेनों को क्यों चलाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, किसी भी सुझाव के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, अमित शाह की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को कोलकाता और इसके आसपास के लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और बंगाल के कई जिलों को जोड़ने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। हर दिन 362 ट्रेन चलेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि बंगाल में 11 नवंबर से लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपको एक ट्वीट दिख रहा होगा जिसमें बताया गया है कि रेलवेज विल रिज्यूम सब अर्बन सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम 11 नवंबर। आपको बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उपनगरीय ट्रेन सेवाएं 11 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। यह सेवा मार्च से ही बंद थी, जब कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए तालाबंदी की घोषणा की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के समय से ही लोकल ट्रेन सेवाएं बंद है। 8 महीनों के बाद एक बार फिर से लोकल ट्रेन शुरू हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बुधवार से सियालदह हावड़ा खड़गपुर डिवीजन में कुल 181 जोड़ी 362 लोकल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसमें सियालदह डिवीजन में सबसे अधिक 114 जोड़ी कुल 228, हावड़ा डिवीजन में 50 जोड़ी कुल 100 और खड़गपुर डिवीजन में 17 जोड़ी कुल 34 ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रेलवे ने सावधानी बरतने को भी कहा है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे अब 11 नवंबर से 362 नई लोकल ट्रेनों को शुरू करने जा रही है। रेलवे ने बंगाल के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।